गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हाउ आर यू? फाइन, ओके। बच्चों, आपने दादी, नानी, अम्मा आदि लोगों से तरह तरह की कहानियाँ तो सुनी होगी। जानवरों की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ और राजाओं की कहानियाँ, है ना? सुनी है ना? तो आज हम सेखी बाज मक्खी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसके लेखक योगेश जोशी जी हैं। कहानी ध्यान से सुनिएगा और आंसर भी दीजिएगा, ओके। चैप्टर 2, सेख बाज मक्खी। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। क्या नहीं किया था? नहाया नहीं था। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। भिन भिन करना मीन्स होता है कि उसके मक्खी की पैरों की आवाज़। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। क्या हुआ? जैसे ही शेर ने पंजा उठाया और मक्खी वहाँ से उड़ गई। मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन 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 शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा। अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूँगा, मक्खी ने धीरे से कहा। छी छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात कहीं शोभा देती है? शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा वरना, अभी मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। हिम्मत मीन्स तुम्हारे पास साहस हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला मीन्स अत्यधिक क्रोधित होना। शेर क्या हो गया? अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने कान के पास पंजा मारा, मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। क्या मिला? हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। और हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब कुछ देख रहा था, है ना? लोमड़ी मंद मंद मुस्कराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल काय हाथी को हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छुटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों वह और भी अधिक फंसती गई। फिर अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ओके, धन्यवाद।